मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको। जहाँ हमारे बहुत सारे यहाँ समाजवादी लोग हैं, वहीं मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जो दूसरे दलों से भी आज आए और पहले आए हैं, आज जो बड़ी संख्या में मंच में बैठे हुए सभी समाजवादी वरिष्ठ नेताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से भी जहाँ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वहीं आप सब लोगों को भी नए वर्ष पर बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। ये नया वर्ष आप सबके जीवन में खुशियां लाए, आने वाले वर्ष में आप सब स्वस्थ रहें, आने वाले समय में जो नया वर्ष आया है वो गरीबों, किसानों और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली का वर्ष हो। तारीख जरूर आज बदली है, तारीख जरूर बदली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार हो। मैं जहां आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी लोगों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि आज जो बात हम और आप लोग यहां बैठे कर रहे हैं, आज के समय पर केवल सीमित यहां तक नहीं रहती। इसलिए जहां मैं आपको बधाई दे रहा हूं, वहीं प्रदेश की जनता और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नए वर्ष पर। आज जब हम और आप सब लोग उठे होंगे, जब हम और आप सब लोगों ने आंखें खोली होंगी, तो जहां नया वर्ष था, वहीं एक खबर ऐसी भी आई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। जो वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने गए थे लोग, उसमें कुछ लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग उन परिवारों के साथ खड़े हैं, दुख में उनके साथ हैं, उन परिवारों को भी और जो हमारे बीच नहीं रहे उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो दर्शन करने गए थे वहां ज्यादा संख्या में लोग आ गए, चीजें नियंत्रण में नहीं रही। सुनने में आ रहा है कि 14 लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, तो घायल लोगों का इलाज भी हो, स्वस्थ हो जल्दी। और जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि देते हैं और वहीं उनके परिवार के साथ इस दुख में हम लोग खड़े हैं। 2021 कैसा गुजरा है वो आप और हम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 21 में जो परेशानियां आई या 21 से पहले जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, इतना दुख, तकलीफ और परेशानी किसी सरकार में नहीं आई होगी जितनी 2021 तक लगातार हम लोगों ने सामना किया है। और 21 से लेकर के इक्कीस का साल बहुत दुख भरा रहा। 21 का साल बहुत दुख भरा रहा। हम लोगों ने लॉकडाउन से लेकर के इस बीमारी को देखा,